Hello student, today we see the timer instruction in PLC instruction set. In previous lecture we see the on delay timer and today's lecture we see the off delay timer instruction. Okay, so see, this is the off delay timer. Then see the first point, this instruction is used to provide a time delay turning on or off the output device. It remains on for the predefined time पीरियड बिफोर टर्निंग ऑफ. मीन्स यहाँ पे जो ऑफ डिले टाइमर है वो क्या करता है, आपको क्या प्रोवाइड करता है, टाइम डिले प्रोवाइड करता है ऑन और ऑफ डिवाइस जो है आउटपुट डिवाइस वो आपका ऑन और ऑफ टाइम डिले प्रोवाइड करता है. ओके, सो इट रिमेंस ऑन, ये कब तक ऑन रहता है, जब तक कि प्रीडिफाइंड टाइम पीरियड अपना जो गिवन है तब तक के वो ऑन रहेगा. और उसके पहले बिफोर टर्निंग ऑफ मीन्स उसके पहले क्या हो जाएगा, वो ऑफ रहेगा. ओके, सो इन दिस वे दिस इज द ऑफ डिले टाइमर. सो सी इन डिस्क्रिप्शन और डिस्क्राइब इन डिटेल. द फर्स्ट इट इज़ द फंक्शनल ब्लॉक ऑफ ऑफ डिले टाइमर. जैसे कि हम लोगों ने ऑन डिले टाइमर का क्या देखा था, फंक्शनल ब्लॉक देखा था, वैसे ही ये अभी ऑफ डिले टाइमर का क्या है, आपका फंक्शनल ब्लॉक है. ओके, इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने ये जो फंक्शंस है वो देखे हमने, जैसे कि ये यहाँ पे ऑन था, टाइमर ऑन डिले था, तो अभी क्या है, टाइमर ऑफ डिले है. ये भी इंस्ट्रक्शन देखा है डिटेल में, ऑन डिले में ये भी इंस्ट्रक्शन देखा है, और ये भी. ओके, सो इन ऑफ डिले में क्या क्या होता है वो देख लेंगे एक बार. अभी ये क्या है, फंक्शनल डायग्राम है, इसमें से हम लोग थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेंगे. तो फर्स्ट क्या है, देखो, टी ऑफ इंस्ट्रक्शन बिगिन टू काउंट टाइम बेस इंटरवल. ओके, टी ऑफ इंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट होगा, जब अपना टाइम बेस इंटरवल काउंट होना स्टार्ट होगा. ओके, व्हेन द रग कंडीशन मेक्स ट्रू टू फॉल्स. कब होगा ये सब, जब भी वो जो रग कंडीशन है अपनी पीएलसी में वो क्या होगी, ट्रू से फॉल्स में ट्रांजिशन होगी, मीन्स ट्रू से फॉल्स में जाएगी, तभी आपका जो टी ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा काउंटिंग करना. ओके, देन सी नेक्स्ट, एज लॉन्ग एज द रग कंडीशन रिमेन्स फॉल्स द टाइमर इंक्रीमेंट इट्स एक्यूमुलेटर वैल्यू. ओके, मीन्स जब तक कि रग कंडीशन क्या होगी, रिमेन्स फॉल्स होगी, तब क्या होगा, जो भी अपना टी ऑफ टाइमर डिले है वो क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा इट्स एक्यूमुलेटर वैल्यू ओवर ईच स्कैन अंटिल इट रीचेज द प्रीसेट वैल्यू. मीन्स जब तक कि अपना जो स्कैन करने का जो टाइम है वो अपने क्या प्रीसेट वैल्यू जो भी हम लोगों ने सेट की है वहाँ तक के रीच नहीं होता है, तब तक कि वो एक्यूमुलेटर जो है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट्स होगी टाइमर के टाइमर ऑफ डिले टाइमर के हिसाब से. ओके, सो इन दिस वे द ऑफ डिले टाइमर विल बी वर्क. ओके, देन सी वन बाय वन, दैट इज ऑलरेडी सी इन ऑन डिले टाइमर. ओके, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिले टाइमर. ओके, सो सी दिस इज द आउटपुट बिट ऑलरेडी सी इन दैट इज द इन ऑन डिले टाइमर, बट इन ऑफ डिले टाइमर सम लिटिल बिट चेंजेस इन दैट. ओके, सो सी द फर्स्ट इट इज़ द डीएन, दैट इज़ द डन बिट. अभी ये ऑफ डिले टाइमर में क्या होता है, बिकम्स हाई. कब रहेगा, जब रग कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी. ओके, और रिमेन्स हाई मीन्स हाई कब रहेगा, वो कंटिन्यूसली हाई कब रहेगा, अनटिल कब तक, द रग कंडीशन बिकम्स फॉल्स एंड द एक्यूमुलेटर वैल्यू इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू. ओके, जब भी रग कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, और जो एक्यूमुलेटर वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू रहेगी, और रग कंडीशन बिकम्स क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा, तभी जो डीएन है दैट इज डन बिट है वो रिमेन्स क्या रहेगा, ऑफ रहेगा. ओके, अभी ईएन देखो, दैट इज टाइमर अनेबल बिट, यहाँ पे क्या रहेगा, कब हाई हो जाएगा, जब रग कंडीशन यहाँ पे भी क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, और यहाँ पे रिमेन्स हाई कब रहेगा, जैसे कि डीएन बिट में हमने डन बिट में देखा है, वही
जो है आपके अनेबल बिट में है, ओके, रिमेंस हाई वो तभी रहेगा, ओके। देन फॉर टाइमर टाइमिंग बिट देखो, टीटी बिट, इसमें ये हाई कब रहेगा, जब रग कंडीशन क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी, ओके, एंड एक्यूमुलेटर वैल्यू इज लेस देन द प्रीसेट वैल्यू, ओके। जब एक्यूमुलेटर वैल्यू क्या होगी, लेस देन प्रीसेट वैल्यू रहेगी और रग कंडीशन फॉल्स रहेगी, तभी आपका टीटी बिट जो है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा, ओके। और रिमेंस हाई कब रहेगा, देखो क्या है, रग कंडीशन बिकम्स ट्रू, मीन्स जब अपनी रग कंडीशन जो है वो बिकम्स क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, और व्हेन डन बीट इज सेट, जो भी अपना ये बीट है, डन बीट है, वो क्या हो जाएगा, सेट रहेगा और रग कंडीशन ट्रू रहेगी, तभी ये टीटी बीट जो है वो क्या रहेगा, रिमेंस हाई रहेगा, ओके। सो इन दिस वे द आउटपुट बीट के जो जो फंक्शंस है, कब वो हाई रहेगा या फिर रिमेंस हाई रहेगा, इस पे से आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट क्या है आपका, फॉर्मेट फॉर टाइमर इंस्ट्रक्शन, ओके। अभी ये फॉर्मेट है टाइमर इंस्ट्रक्शन का, तो इसमें देखो फर्स्ट जो टी रहेगा, मीन्स आपका जो फॉर्मेट है वो इसमें रहेगा, तो टी क्या इंडिकेट करता है, टाइमर फाइल, ओके, और एफ क्या इंडिकेट करेगा, दैट इज़ फाइल नंबर टिपिकल वैल्यू 4, ओके। अब दो डॉट्स क्या इंडिकेट रहेंगे, इंडिकेट करेंगे दैट इज द एलिमेंट डिलिमिनेटर, ओके, डिलिमिटर, ओके। देन ई क्या इंडिकेट करेगा, एलिमेंट नंबर टिपिकल वैल्यू 0 to 39, ओके। और यहाँ पे डॉट क्या इंडिकेट करेगा, वर्ड डिलिमिटर, ओके। और बाद में यस क्या है, यहाँ पे सब एलिमेंट है, अगर स्लैश रहा तो वो क्या इंडिकेट करेगा, बिट डिलिमिटर, और बी लास्ट में रहा तो वो रहेगा बिट, ओके। सो इन दिस वे दिस इज़ द फॉर्मेट फॉर टाइमर इंस्ट्रक्शन, ओके। सो दिस लेक्चर विल बी ओनली ऑन टी ऑफ डिले, दैट इज़ द टाइमर इंस्ट्रक्शन, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।